Hello, everybody, and I welcome you all for the most awaited beauty pageant of Mumbai, the search for the international face of Mumbai. Come along. Trust me. Aisha Sharma, 21. गाड़ी धीरे चलाने का इतना ही शौक था तो बैलगाड़ी क्यों नहीं चला लेते? पता नहीं कौन कौन से गलियां घुमा के लेकर आई हो। मुंबई दर्शन कराने का इतना ही शौक था तो हम ही मिले थे क्या तुम्हें? ओ भाई, आपके कहने पे ना मैं आपको शॉर्टकट मार के बैंड्रा से चेंबूर तक ना 15 मिनट में लेकर आया। इससे जल्दी आप तो हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। हाँ, मजाक उड़ा रहे हो मेरा। जानते हो मैं कौन हूँ? मिस भुवनेश्वर, और ये मेरी बेटी जो कि कुछ ही मिनटों में मिस मुंबई बनने वाली है। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से कॉन्टेस्ट में लेट हुआ, मिस हुआ, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी यूनियन में। अरे रिये, क्या करी? बैठी रहे अंदर। बाहर क्या कोई खाने की थाली सजा रखी है? देखने रहे कितनी धूप है बेटा, इस धूप में स्किन टैन हो जाएगी ना। मैं आती हूँ अभी। हाँ, अरे ओ, मेरे पैसे? देरी करवाई है ना तूने, अब थोड़ी देर रुक। हाँ, होकर में होटल रूम बना दिया मेरे रिक्शे को। मेरी बेटी को देखा? तुम 21 की हो, तुमने क्या मुझे पागल या अंधा समझा है? तुम कम से कम 30 साल की लगती हो। देखिए यहाँ देखने दिखाने का टाइम नहीं है हमारे पास। तुम आयशा शर्मा हो ही नहीं सकती। Excuse me. वो मैम, देखिए ये आयशा शर्मा है ही नहीं, ये मेरी बड़ी बेटी है प्रिया शर्मा, जो कि 33 की है। आयशा शर्मा वो मेरी छोटी बेटी है, वो 21 की है। हाँ, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। एक्चुअली मैं प्रिया शर्मा हूँ और अपनी छोटी बहन आयशा शर्मा के बिहाव पे यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आई हूँ, क्योंकि उसे आने में थोड़ी देर हो गई। ओ सॉरी आयशा। आप इतना जल्दी आ? आयशा बेटा, चीज कम 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 लाल। ओ माय गॉड, इतने बड़े कॉन्टेस्ट के लिए एक ही कॉमन हॉल, इससे था बाइकुला का चिड़ियाघर ज्यादा अच्छा है। अरे इतने बड़े कॉन्टेस्ट में तू भाग ले रही है, तुझे तो एक अलग से रूम मिलना चाहिए ना। मैं जब इस तरह के कॉन्टेस्ट में लेती थी ना, पार्टिसिपेट करती थी, तो मुझे तो अलग से रूम मिलता था। ऐसे ही मैं कोई मिस भुवनेश्वर नहीं बनी थी। हाँ माँ, रिलैक्स प्लीज। आपके जमाने में ना पार्टी कुछ और थी। अरे ऑर्गेनाइजर्स के लिए 40-50 कमरे अरेंज करना मामूली सी बात थी, लेकिन आज जमाना बदल गया है माँ। देखो ना, पार्टिसिपेंट्स के नंबर्स भी तो डबल हो गए है ना। चल कुर्सी खा ली, चल। रिलैक्स माँ, एक्सक्यूज मी। हाँ, देयर यू गो। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट। हाँ प्रिया। हाँ। तू कहीं नहीं जाएगी। माँ, I have to go. आज तेरी बहन का इतना बड़ा इवेंट है, इतने बड़े कॉन्टेस्ट में वो पार्टिसिपेट कर रही है, पर तू जाने की बात कर रही है। तुझे ट्यूशन क्लासेस की पड़ी हुई है। अगर एक दिन ट्यूशन नहीं ली तो बच्चों के लिए आसमान नहीं फट जाएगा। हाँ, आज तू नहीं जाएगी कहीं। बस ट्यूशन, टोफल कोचिंग क्लासेस है वो। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए जो एग्जाम देने पड़ते है ना, उसके कोचिंग क्लासेस। और माँ, वो मेरा जॉब है। I get paid for it. Oh God, ma. क्या हुआ? मेरा ब्रेसलेट। ब्रेसलेट? मेरा ब्रेसलेट नहीं है इसमें माँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद रखा था। Wait, I look for it. It was there. ये तो रहा। Here. पर दीदी ये पीला नहीं है। अरे पीला ही तो है। पर ये मेरा वाला येलो नहीं है दीदी। This is almost golden. लेमन येलो है। माँ कैसे जाएगा एक दूसरे पे? I don't know what to do. बेटा, ये तो क्या कर रही है? हाँ? अपने माथे पे सिलवटे मत रखो। No, no, no. लाइंस पड़ जाएंगी बेटा। प्रिया, बेटा, तू इसका पीला वाला लेकर आ। माँ, मैं? Quick, quick, quick.
ऑलरेडी गेटिंग लेट, मेरे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे. मैं दी प्लीज यू हैव टू डू समथिंग दीदी, मेरा नाम, मेरा करियर, मेरा एवरीथिंग विल गो फॉर इट ऑल दीदी. मॉम आयशा बट दीदी प्लीज मॉम मॉम प्लीज टेल अस समथिंग. ओके ओके रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मैं जाके लेके आती हूँ. आज की तारीख में पंप्स मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में ये कंपनी नंबर वन की पोजीशन पर है. एंड एज यू कैन सी दिस इज आवर मार्केट शेयर. शेयर मार्केट में भी हमारी कंपनी के शेयर रेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं. दीज आर द नेट प्रॉफिट्स एंड दिस इज द थ्री फेज प्रोजेक्ट एंड दिस इज द कैश फ्लो एनालिसिस ऑफ दिस. दैट्स ऑल जेंटलमैन. So, Mr. Kapoor, what's your opinion? Ram, paper sign karte hain, chalte hain. Ghar bhi pahunchte hain. Not interested. Excuse me, Mr. Kapoor. लेकिन क्यों, आपकी टीम ने तो कहा था आप इस डील में इंटरेस्टेड हैं. अगर आपके जहन में कुछ क्वेरीज हैं, अगर आपने प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं देखा है. जस्ट अ मिनट मिस्टर नारंग, आपने जो सुना सही सुना. मैं आपकी कंपनी खरीदने में इंटरेस्टेड था एक साल पहले, आज स्टार्ट द स्लाइड शो. जैसे कि हम सब जानते हैं, एक कंपनी स्टार पोजीशन में तब होती है जब वो मोनोपोली एंजॉय कर रही होती है. 2010 में आपकी कंपनी का मार्केट पोजीशन और आज का आपका मार्केट पोजीशन, दोनों में बहुत फर्क है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दिस इज योर क्लाइंट लिस्ट. इनमें से 50% के क्लाइंट्स आपके साथ साथ तीन और कंपनीज में पंप्स के साथ डीलिंग कर रहे हैं, व्हिच मींस योर कंपनी मोनोपोली इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हियर वी कम टू प्रॉफिट रेशियो. फिगर्स बड़े हैं क्योंकि महंगाई बढ़ी है. सच तो ये है कि नए क्लाइंट्स आ नहीं रहे हैं और आपकी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स डाइवर्ट हो रहे हैं. आपकी कंपनी धीरे धीरे रिलायबिलिटी खो चुकी है. आने वाले कुछ ही सालों में आपकी कंपनी पूरी तरह घाटे में चली जाएगी. सो व्हाई मिस्टर नारंग डू यू थिंक दैट आई नीड टू बाय दिस कंपनी? लाइट्स. ध्यान मेरा नहीं, आपका इस कंपनी से हट गया है. अगर आपका ध्यान नहीं हटा होता तो आपकी कंपनी की हालत नहीं होती. और तो और, आपके ग्लासेस भी ठीक तरह से क्लीन नहीं किए जाते. इसका मतलब सिर्फ आपका ही नहीं, आपके जूनियर एम्प्लॉयज का भी ध्यान हट गया. विक्रम, आई रियली फील अगली बार हमें ऐसी मीटिंग्स के लिए मेरी खुद की कटलरी लानी चाहिए. टैबलेट्स प्लीज. गुड बाय मिस्टर नारंग, थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन. क्या पता शायद दोबारा मुलाकात हो. विक्रम, सर आपका फोन आपके घर से. हेलो भैया, मम्मा पागल हो गई है. यू नो व्हाट इज शी सेइंग, वो नहीं चाहती कि मैं आपका लाया हुआ 2 करोड़ का नेकलेस पहनूं. इंस्टेड शी वांट्स मी टू वेयर रियल फ्लावर ज्वेलरी. असली फूलों के गहने भी कोई पहनता है क्या? क्या आप ही बात कीजिए मम्मा से. गिव मी द फोन. हेलो राम. हाँ माँ. मिसेस सिंघानिया ने अपनी बेटी को उसकी शादी पे रियल फ्लास की ज्वेलरी पहनाई थी. हाँ. वो उन्होंने जयपुर के किसी बहुत बड़े कारीगर से स्पेशली ऑर्डर पर बनवाई थी. और तुम्हें याद है कि उस ज्वेलरी के बारे में कितने चर्चे हुए थे? तुम्हारी बहन अगर शादी में वो ज्वेलरी पहनेगी तो सोसाइटी में उसके कितने चर्चे होंगे. राम आई एम रियली सॉरी कि मैं लास्ट मोमेंट पे तुमसे ये डिमांड कर रही हूँ, लेकिन एक मिनट, वो रियल फ्लावर ज्वेलरी मेकर फ्रॉम जयपुर. हाँ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं ढूंढ लूंगा. आई न्यू यू'ड से दैट राम, थैंक यू सो मच. ओके रखता हूँ. यू गॉट दैट? यस सर. सर मिल गया है. सर इस आदमी का नाम मिस्टर श्यामचंद्र है. गुड.
सर, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। खराब मौसम होने की वजह से आपकी आज की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। फ्लाइट कैंसिल? घर कैसे पहुंचेंगे राम? हमें किसी भी हालत में शाम तक मुंबई पहुंचना ही होगा। इशिका की शादी है। कोई और फ्लाइट? वी ऑलरेडी ट्राइड सर, लेकिन उस रूट की सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। राम, मिस्टर नारंग, मैंने कहा था ना दोबारा मुलाकात होगी। I think I have to rethink my decision. Mr. Narang, अगर मैं आपकी ये कंपनी खरीद लूं, तो आप मुझे कंपनी के अलावा और क्या दे सकते हैं? Anything, as you say. आपका प्राइवेट जेट। मतलब आप मेरी कंपनी खरीदना चाहते हैं मेरे प्राइवेट जेट के लिए? जेट तो मैं अपने पैसे से जब चाहे खरीद सकता हूँ। इनफैक्ट वो डील मेरे लिए इस डील से ज्यादा सस्ती भी होगी। बट बिजनेस डील्स पैसे ये सब मेरे लिए कुछ नहीं है मेरे परिवार के साथ। The truth is, Mr. Narang, की आज मेरी बहन की शादी है और मेरी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। आपका जेट मुझे सही समय पर मेरे घर पहुंचा सकता है। लेकिन ये डील आपको महंगी नहीं पड़ी? आप इस वक्त अगर आपकी कंपनी की कीमत दुगनी भी कर लेना तो भी मैं आपकी कंपनी खरीदूंगा, क्योंकि इस वक्त मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। Fine, please. Sure. राम तू पागल हो गया, बिना सोचे समझे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर दी। इस कंपनी का कोई फ्यूचर ही नहीं है यार। चिंता मत कर, इस कंपनी को मैं फ्यूचर दूंगा। ठीक है राम, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। घर नहीं पहुंचे इस टाइम पर तो रिस्क उससे भी ज्यादा है। सब मैं नहीं जानता। तुम्हारे पास एक घंटा है। एक घंटे में मैं चाहता हूं कि वो डिजाइनर मुंबई में आ जाए। वो जिसकी भी शादी में है, जो कुछ भी कर रहा है, that is not my concern. उसको जितने पैसे चाहिए दे दो। I want that man at my sister's wedding. Is that clear? उसे किसी भी हालत में मुंबई लाओ। अब कहाँ से लाऊं मैं आयशा का येलो वाला ब्रेसलेट? लेकिन मैं उसका उदास चेहरा भी नहीं देख सकती। मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। आपके पास ब्रेसलेट होंगे? या नहीं, मुझे वो दूसरे तरीके के चाहिए। वो जो सिंगल कलर्ड होते हैं ना, लकड़ी के, जैसे रेड ग्रीन ब्लू। इनफैक्ट मुझे एग्जैक्टली ये कलर चाहिए। अच्छा, इस टाइप का तो मिलना बहुत मुश्किल है। हेलो, कहाँ हो तुम प्रिया? गुड आफ्टरनून सर। प्रिया, तुम अब तक क्लास नहीं पहुंची? यस सर। यू आर वेरी लेट सर। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं एक जरूरी काम में फंस गई हूँ। बट आई विल बी देयर सर, मैं आधे घंटे में आई विल बी देयर सर। आर यू श्योर? यस सर। इंटरनेशनल की फाइल रेडी हुई? यस सर। मंत्रालय तक सारे इनविटेशंस पहुंच गए? सर, प्लीज सी टू इट राइट अवे। मैं चाहता हूं कि सारे मिनिस्टर शादी के लिए आए। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। अरे वो जूलर का क्या हुआ? जब तक आप घर पहुंचेंगे वो आदमी वहां पहुंच चुका होगा। गुड गुड गुड। थैंक गॉड, आयशा को जैसा ब्रेसलेट चाहिए था फाइनली मिल गया। थैंक गॉड, माँ को आयशा के लिए जो ज्वेलरी डिजाइनर चाहिए था वो मिल गया। बस 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 भैया, यही रुकिए, एक मिनट। हाँ, मैं भी आई। माँ, तू भी कमाल करती है प्रिया।
अरे तीसरा राउंड शुरू होने वाला है, ब्रेसलेट मिला कि नहीं? हाँ हाँ आयशा बेटा, तू तैयार है ना? मैं ब्रेसलेट लेकर आ रही हूँ। आयशा की क्या हालत थी पूछी मत। अरे आधे घंटे में उसने उतनी सांसें भी नहीं ली होंगी जितनी बार उसने ब्रेसलेट का नाम ले लिया। मुझे तो चिंता हो रही है कि उसका टेंशन उसके चेहरे पे नजर ना आए। तुझे तो पता है ना जजेस का। अच्छा ब्रेसलेट दे मुझे। वो तू भी बातों में लगा देती है मुझे। मैं जा रही हूँ। नो नो आई एम गोइंग। एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी। यू आर वेलकम मां। आ गए तुम? जी हाँ, और मैं अकेले नहीं आया हूँ, अपने साथ ज्वेलर को भी साथ लाया। अब इशिका शादी में वही ज्वेलरी पहनेगी जैसा कि आप चाहती थी। थैंक्स राम, आप मेरे साथ हैं। ओ प्लीज यार विक्रम, वही पुराना लेक्चर अब मत दे। क्यों ना शुरू हो? राम, तूने पिछले एक घंटे में दुनिया हिला दी इस ज्वेलरी वाले को ढूंढने के। बदले में तेरे को क्या दिया? एक रूखा सूखा थैंक यू बस। एक मिनट, तो एक काम कर, ये ले वाइन पी, कम से कम तेरा मुंह तो बंद हो जाएगा ना। अरे मेरे मुंह बंद करने से सच्चाई नहीं छुपेगी ना, इसीलिए कहता हूँ कि सब कुछ छोड़ और सिर्फ शादी कर ले राम, शादी कर ले, है ना? वेरी फनी। कौन शादी करेगा मेरे साथ? 40 का तो हो गया हूं मैं, कौन लड़की एक्सेप्ट करेगी मुझे? मेरी जिम्मेदारियां, मेरी इनसिक्योरिटीज, मेरी प्रॉब्लम्स के साथ। हर किसी की जिंदगी में कभी ना कोई ऐसा जरूर आता है जो उसे उसकी हर अच्छाई और बुराई के साथ एक्सेप्ट करता है, और इसी को प्यार कहते हैं। इन्हीं भावनाओं को कीट्स ने अपनी कविताओं के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। दो लोगों की एक साथ जुड़ने की और एक साथ जिंदगी बिताने की प्यार से ज्यादा अच्छी वजह और क्या हो सकती है? क्योंकि प्यार वो एहसास है जो रिश्ते की उम्र बढ़ाता है, जो रिश्ते को वो ताकत देता है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक वो रिश्ता बना रहे। Have you guys ever realized? जिंदगी में हर चीज कभी ना कभी खत्म हो जाती है, एक प्यार ही है जो हमेशा कायम रहता है। मतलब मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए बुला दिया। We broke up. प्यार की एग्जैक्ट डेफिनेशन तो शायद ही किसी किताब में मिले, और वो इसलिए क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए प्यार के अलग अलग मायने होते हैं। लेकिन एक बात तो है, रिश्ते में, इनफैक्ट किसी भी रिश्ते में प्यार का होना बहुत जरूरी है। Look at him, यार। कौन है ये? राम कपूर। 40s में है, मोस्ट एलिजिबल बट स्टिल सिंगल। मोटा है यार। सो व्हाट, बहुत पैसा है। ओह रियली? तो चलेगा। व्हाट इज इट टीना? नथिंग मैम। डोंट लाइ, आई सॉ यू टॉकिंग, टेल मी व्हाट इज इट। सेम टॉपिक मैम, लेकिन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। मतलब? मैम आपने अभी अभी कहा कि शादी के लिए प्यार होना जरूरी है, बट वी डोंट थिंक सो। शादी किसी और बेसिस पे भी हो सकती है। Like? जैसे पैसा, कामयाबी, सक्सेस। मैम ये देखिए, ये आदमी 40s में है, मोटा है, दिखने में भी ओके कैटेगरी है, बट फिर भी हमें से कोई भी लड़की इससे शादी करने को तैयार है। एंड यू नो व्हाई? सब कुछ है इसके पास, कुछ भी दे सकता है, गाड़ियां, पेंट हाउसेस, एक्सोटिक हॉलीडेज, ब्रांडेड क्लोथ्स, सब कुछ। एक्चुअली यही चीजें लाइफ लॉन्ग रहती है, प्यार व्यार तो हफ्ते में खत्म हो जाता है। ओके, तो एक बात बताओ, कितने दिन रह पाओगे तुम उस आदमी के पैसे के साथ?
कितने दिन जी पाओगी उस अकेलेपन के साथ जो तुम्हें उस आदमी के साथ शादी करने के बाद मिलेगा। लुक टीना, शादी किसी के पैसे को देखकर या अपनी जरूरतों को देखकर की जाए तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, शादी वो सस्टेन करती है जो प्यार के बेसिस पे बनती है, जिसमें भले ही दो लोग एक जैसा ना सोचें, लेकिन एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे के बारे में सोचें, एक दूसरे के लिए सोचें। क्लास ओवर मैम। बेचारा, इसे तो पता भी नहीं कि इतनी सारी लड़कियां इसके पीछे पड़ी हैं। इसके पैसे के पीछे पड़ी हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि इसकी किस्मत इसका साथ दे और इसे ऐसी लड़की से मिलाए जो इसी के लिए बनी हो, जो इसे इसकी अच्छाई और बुराई के साथ पसंद करे और एक्सेप्ट, इसे सच्चा प्यार मिले और भगवान इसे वो नजर दे जो उस प्यार को पहचानने में इसकी मदद करे। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, but still, I wish you all the best. You want to read this magazine, ma'am? Oh, no. I'm not interested. Thank you. Okay. हाँ पापा कहिए। हाँ, तेरे लिए एक अच्छी खबर है। हाँ, तेरी लाडली बहन कॉन्टेस्ट के 20 फाइनलिस्ट में चुन ली गई है। क्या बात कर रहे हैं आप? आई डोंट बिलीव दिस। पापा, माँ तो बहुत खुश होगी। खुश? अरे बेटा, अगर उसका बस चले ना तो फाइनल राउंड खत्म होने से पहले ही आयशा को क्राउन पहना दे। पापा, आयशा की कामयाबी का ये पहला कदम है। इतनी बड़ी खुशी का मौका है और मैं वहाँ नहीं हूँ। आयशा मुझे मिस कर रही होगी। पापा, मैं वहाँ जाती हूँ, पहले आयशा से मिलती हूँ। माँ भी वहाँ मेरा इंतजार कर रही होगी, फिर हम लोग साथ इकट्ठे घर आएंगे। ठीक है? ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। ओके पापा, बाय। ऑटो। रैम, लेडी इन ब्लू। शॉट यार, देख तो यार, शी लुक गुड विद यू। शट अप यार, कुछ भी बोलता है, इन सब चीजों के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। स्टॉप इट। सर, फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर गायकवाड़ है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। अब आप तो हाँ, मैं न्यूयॉर्क में था। मेरे सेक्रेटरी ने बताया कि आपकी बेटी की शादी है, इसलिए सारे अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग्स कैंसिल करके यहाँ आया हूँ। और फिर आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप जाइए वीआईपी रूम में, वेट करिए, मैं बस अभी आता हूँ। ओके। बेटी का बाप बोलने लगे हैं लोग तुझे, और तू कह रहा है कि तू रेडी नहीं है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ अगर लोग मुझे बेटी का बाप मानते हैं तो? माना कि वो मेरी बहन है, लेकिन बेटी की तरह पाला है ना मैंने उसे। अगर कोई बेटी का बाप समझता है मुझे तो बुरा थोड़ी लगता है मुझे, इनफैक्ट गर्व महसूस होता है। I mean, come on, yaar. What am I waiting for the most right now? उसका कन्यादान करने के लिए ना। और तेरे को बात बताऊं, जब मैं उसका कन्यादान करूंगा ना, बिल्कुल वही महसूस करूंगा जो एक बाप महसूस करता है जब वो अपनी बेटी का कन्यादान करता है। बस बस बस, यही रोकिए, एक मिनट रुकना। हाँ दादा, एक मिनट। जी। यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट चल रहा था ना? जी, वो तो कब का खत्म हो चुका, और अभी अभी तो सारे ऑर्गेनाइजर भी चले गए। चले गए? जी।
ओह गॉड, ओह नो, आयशा ने मेरा इंतजार किया होगा, मैंने ही आने में देर कर दी। कितनी नाराज हो गई होगी मुझसे। कोई बात नहीं, घर जाकर उसे कसकर गले लगाऊंगी और ऐसी बधाई दूंगी कि उसकी सारी नाराजगी एक ही पल में दूर हो जाएगी। राम, कन्यादान का वक्त हो रहा है और वहाँ पे मंडप में दुल्हन का भाई नहीं है। Where's everyone? सॉरी माँ, वो क्या है ना, वो गेस्ट को जरा, गेस्ट को कोई भी अटेंड कर सकता है, लेकिन बहन के फेरे और कन्यादान भाइयों के बिना नहीं हो सकते। क्यों, आप क्या कह रहे थे? सॉरी माँ, ये लो, आ गया सिद्धांत। सिद्धांत कहाँ रह गए थे तुम? कम ऑन मैम, मम्मी कुछ फ्रेंड्स आ गए थे। एंड व्हाट इज दिस कन्यादान? मेरा करना जरूरी है क्या? व्हाट आर यू टॉकिंग सिद्धांत? राम तुम्हें समझाओ इसे, इशिका का बड़ा भाई है और कन्यादान नहीं करेगा। हाय ब्रदर, हाउ आर यू? सुना है आपने एक नई कंपनी टेक ओवर कर ली। ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, कन्यादान का वक्त हो रहा है और राम तुम लोग भी चलो, क्योंकि तुम्हारा भी वहां पर होना बहुत जरूरी है। Come on. कहते हैं भगवान ने हर शख्स के लिए किसी न किसी को जरूर बनाया है। हर एक की कहानी किसी न किसी के साथ जरूर जुड़ी है। अच्छा हुआ जो आप शॉर्ट इनविटेशन पर आ गए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। फिर मेरे इस दोस्त की जिंदगी में इतना अकेलापन क्यों है? कुछ लोग औरों की जिंदगी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं, लेकिन अपनी खुद की जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भगवान, कि तूने अपनी इस दुनिया में कोई ऐसा बनाया है जो राम के लिए बना है, जो दूर करेगा इसका अकेलापन और देगा उसे अपनापन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.